नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल के क्वार्टर वन के रिजल्ट्स के बारे में। दोस्तों अभी अभी क्वार्टर वन के रिजल्ट्स अनाउंस हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, तो क्या रहे उनके रिजल्ट्स उस पर डीप में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों काफी चल चुका है शेयर, तो क्या रणनीति होगी आगे के लिए उस पर भी बताएंगे। तो दोस्तों कंप्लीट वीडियो देखिए और हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और दोस्तों अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है द ट्रेडिंग बुल्स नाम से। चलिए दोस्तों चर्चा की शुरुआत करते हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले दोस्तों डिस्क्लेमर को ध्यान से पढ़ें। वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड, ऑल द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड फॉर द वीडियोस फॉर एजुकेशनल पर्पज ओनली। तो दोस्तों अगर आपको ट्रेड लेना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर सलाह लेने के बाद इन्वेस्टमेंट किया करें। चलिए दोस्तों सीधे रिजल्ट की तरफ मूव कर रहे हैं हम लोग, और क्या रहे आउटकम्स उस पर ही फोकस करते हैं। तो अभी अभी जस्ट दोस्तों रिजल्ट अनाउंस हो चुके हैं मोतीलाल ओसवाल के, कंक्लूड हुई है अभी अभी, मीटिंग्स आए हैं, तो उसके आउटकम यस दोस्तों यहां चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स की तरफ। दोस्तों हमने ओरिजिनल फाइल बीएससी की साइट से डाउनलोड कर ली है। यहां पे दोस्तों देखिए ये सारे फिगर लैक्स में दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहां पे देखते हैं कि टोटल इनकम क्या रही। तो टोटल इनकम दोस्तों 90126 की रही, जो कि लास्ट क्वार्टर से थोड़ी सी कम है। वहीं दोस्तों लास्ट ईयर से देखें तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट नजर आता है। वहीं पे दोस्तों टोटल एक्सपेंसेस देखें तो टोटल एक्सपेंसेस भी इस बार लास्ट क्वार्टर से थोड़े ज्यादा और लास्ट ईयर से थोड़े से ज्यादा है। और दोस्तों अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस एंड एक्सेप्शनल आइटम देखें तो 28573 की निकल आ रही है, जो कि ईयर ऑन ईयर दोस्तों ग्रोथ देखें तो लगभग लगभग कह सकते 50% का मोर प्रॉफिट हुआ है। वहीं पे दोस्तों क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो थोड़ा सा आधा हो चुका है इनका प्रॉफिट। टोटल टैक्स एक्सपेंसेस भी कैलकुलेट कर लें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस 22,000 लाख के निकल के आते हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर से आधे हो चुके 50% से भी कम, और लास्ट ईयर से देखें तो लगभग लगभग कह सकते हैं 40% के आसपास का प्रॉफिट नजर आता है। वहीं पे दोस्तों और हम सारी चीजें इनकम्स अदर इनकम सारा चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहां पे दोस्तों देखिए तो अर्निंग पर शेयर पे इसका साफ असर पड़ रहा है कि लास्ट ईयर से तो ज्यादा है लेकिन लास्ट क्वार्टर से लगभग आधे हो चुके हैं। तो दोस्तों रिजल्ट ईयर ऑन ईयर पैरामीटर पे तो अच्छा नजर आता है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे थोड़ा सा सेटबैक नजर आता है। अब चलते दोस्तों हम लोग इसके चार्ट चेक की तरफ। तो दोस्तों काफी 52 वीक हाई के काफी करीब है, लगभग इसने जो पीक बनाया 11172 का बनाया, और बॉटम तो बहुत दूर है दोस्तों 600 के आसपास, तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, और कोई भी डिप मिले तो इसमें जरूर ऐड करने की कोशिश करें। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको रिजल्ट्स पसंद आया होगा, तो हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और टेलीग्राम ट्विटर और फेसबुक पे फॉलो करिए। थैंक यू दोस्तों।